सिफेलोकॉर्डेटा में हेड से लेके टेल तक नर्व कॉर्ड रहेगी और ताउम्र बनी रहेगी। ये सिफेलोकॉर्डेटा की खास बात होती है। सिफेलिक चेस्ट वाले रीजन को क्या समझे? तो बच्चों अगर हम इसका डायग्राम देखना चाहें कि होता कैसा है, बना देता हूं वो भी। आपकी जानकारी के लिए ये टेल तक पहुंच गई। ये आगे वाला हेड है, ये टेल है, ये फिन है, जैसे मछलियों में होते हैं उस टाइप का। ये एनस है, ये बीच का जो हिस्सा है ट्रंक है, जिसे आप में एब्डोमेन कहते हैं। ठीक है, और इसके बक्कल कैविटी में यहां माउथ है, यहीं पे व्हील ऑर्गन पाया जाता है अंदर की ओर, जो दिखाई नहीं देगा। मुझे वो जब काटेंगे तब निकल के आता है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे सकता। इसका नाम है एम्फियोक्सिस। करैक्टर की बात करते हैं। नोटोकॉर्ड extend from anterior end, अगला वाले हिस्से से, to posterior end, पोस्टीरियर एंड मतलब पीछे वाला एंड। ठीक है भाई, यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम हेड टू टेल, और थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। दूसरी बात क्या है इसमें? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट बट नॉट डिफरेंशिएटेड, इनटू ब्रेन एंड
स्पाइनल कॉर्ड। इनमें नहीं बटा हुआ होता, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आप इसमें अलग अलग नहीं कर सकते। एक और इनकी जो पूंछ है जिंदगी भर पाई जाती, टेल प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। इनका जो खास करेक्टर है वो लिख रहा हूं, व्हील ऑर्गन। जिसे मूलर्स ऑर्गन भी कहते हैं, इज प्रेजेंट इनसाइड द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मुंह को कहते हैं, विच हेल्प्स इन या हेल्प्स टू रोटेट द वॉटर। पानी घूमता रहता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस इसका एग्जाम्पल है, जिसको लैंसलेट भी कहते हैं। LAN CELET और ब्रैंकियोस्टोमा। ये हुई इसके बारे में पूरी जानकारी। अब अगला टॉपिक लेता हूं आपके सामने, जिसका नाम है तीसरा सबफाइलम, सबफाइलम ट्री, जिसे हम वर्टिब्रेटा कहेंगे।